तो गाइस आपको YouTube के इस अपडेट के बारे में तो पता होगा कि जो कि YT स्टूडियो में अपडेट आया था कि वहाँ पे ना आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस किन किन लोगों को देखती है, किन किन वीडियोस को वॉच करना पसंद करती है। तो भाई ये अपडेट काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा है और इन पे काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोज़ वगैरह भी बना कर रखा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मतलब उन्होंने क्लियर नहीं करा, मुझे ऐसा लगा भाई, इसलिए ना मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। तो बहुत से लोग जो नए यूट्यूबर्स होते हैं ना, यूट्यूब पर नए नए आते हैं, तो उनको ये सब चीज़ नहीं पता होता है भाई, मुझे खुद नहीं पता था। तो मैंने चेक करा यहाँ पे आके YT स्टूडियो में कि मैं भी चेक करता हूँ मेरे ऑडियंस कब एक्टिव रहते हैं या फिर कैसे कैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं, किन किन के वीडियोस देखते हैं, मैं भी ये सब चीज़ जानना चाह रहा था। जब मैं चेक करने लग गया ना वहाँ पे, तो मतलब कुछ भी था नहीं वहाँ पे, खाली शो हो रहा था, कुछ भी नहीं था भाई वहाँ पर, तो कुछ था नहीं वहाँ पे। तो मैंने सोचा यार क्यों ऐसा हो रहा, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बारीकी से जानना जरूरी समझा, मतलब यही सब किन किन वीडियोस को देखती है, किन किन लोगों को देखती है, ये सारा कुछ वहाँ पे पता चल जाता है, सारा डेटा वहाँ पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे ऑप्शन रहता है जो कि आप देख सकते हो। तो बहुत से लोगों को ये सब चीज़ ना शो नहीं होता भाई, बहुत से लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो उसका एक वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक नहीं दो तीन चार बताऊंगा। से मेरी बातों को सुनना समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर आपको कुछ रॉन्ग लगे तो आप बोल भी सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नहीं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ भाई कितना बोलवाते हो यार, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं और भी आगे लाता रहूँगा और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरा भाई। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारा फंडा, इसका क्या सीन है। बहुत से लोगों को ना मतलब ये चीज़ शो नहीं होता है भाई, मेरा खुद नहीं शो रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ खास करके। और भी बहुत कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोज़ वगैरह तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हो भाई, बार बार बुलवाओ मत यार, कर लो भाई। आप देखिए यहाँ पर आप जब ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाते हो, YT स्टूडियो को जब आप ओपन करते हो, यहाँ पे देखते जाइए गौर से, जब आप YT स्टूडियो को ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे अदर वीडियोस योर ऑडियंस वॉच, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो नॉट इनफ डेटा टू शो दिस रिपोर्ट, यहाँ पे ना मतलब कोई भी डेटा वगैरह नहीं है, नहीं शो कर रहा, तो क्यों नहीं शो कर रहा है भाई, तो इसका भी तो एक वजह होता है ना, बहुत से लोगों को यहाँ पे शो करता है, बहुत से लोगों को शो नहीं करता, तो क्यों नहीं करता और किन लोगों का नहीं करता वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे ऊपर में चले आते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है विन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, मतलब आपके जितने भी वीडियोज़ को देखने वाले लोग हैं वो लोग यूट्यूब पर कब एक्टिव रहते हैं भाई, कब वो लोग रहते हैं वहाँ पर, जो कि आप वीडियोज़ वगैरह डालोगे तो वो लोग तुरंत आपकी वीडियोज़ को भी देखना पसंद करेंगे, इससे होगा ये कि आपका भी व्यूज़ वगैरह बढ़ेगा। तो इतना सारा ऑप्शन है भाई, मतलब यहाँ पे आप जान सकते हो कि आपकी ऑडियंस कब यूट्यूब पर एक्टिव रहती है और कैसी कैसी वीडियोज़ वगैरह देखना पसंद करती है या फिर किन किन लोगों को देखती है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है भाई यहाँ से। लेकिन बहुत से लोगों को ना ये चीज़ मतलब यहाँ पे शो नहीं करता है भाई, नहीं दिखाई देता है, तो क्यों नहीं दिखाई देता है इसका मैं एक वजह आपको बताऊंगा, एक नहीं दो तीन वजह बताऊंगा जिसको आपको समझना है और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा भाई आपको, मैं खुद कर रहा हूँ वो चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है ना भाई, जिनके मतलब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब अच्छा खासा उनका चैनल चल रहा है, तो उन लोगों को सारा कुछ दिखता है भाई, ठीक है। और स्टार्टिंग में जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं ना नए नए, शायद उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है भाई, उन लोगों को यहाँ पे कुछ भी मतलब पता नहीं लगता है कि भाई क्या करें नहीं करें, उन लोगों को होता है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ना स्टार्टिंग में चैनल छोटा होता है और उस पर आप वीडियोस वगैरह डालते हो, तो कभी कुछ इस टाइप की वीडियोस वगैरह डालते हो ना, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम करता है। तो आप अपने चैनल पे बस एक्टिव रहो, काम करते रहो, धीरे धीरे आपको भी वहाँ पे सारा कुछ मतलब डेटा शो होने लगेगा, आप चेक जरूर करना। वैसे मैं बता दूँ कि मेरा खुद नहीं शो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा देखा समझा, और जो भी है जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वैसे तो फिलहाल मेरे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से जानने की कोशिश करा, तो मेरे को ये सब चीज़ पता लगा कि यहाँ पे आप अगर, मैं तो यही आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप YouTube पर नए नए आए हो तो यहाँ पे आप माइंड सेट करके आना और एक ही कैटेगरी पे वीडियोस वगैरह बनाना, और स्टार्टिंग में आग बकाना मत, रेगुलर बस अपडेट रहना, रेगुलर वीडियोस वगैरह देते रहना,
धीरे धीरे आपको यहाँ पे मिलेगा। होता है क्या ना, जिसका 10,000 20,000 या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह होता है ना, तो उन लोगों का शो करता है भाई। स्टार्टिंग में जिनका छोटा चैनल होता है ना, उनको शो नहीं करता है। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर किया, क्या बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और कर लेना भाई सब्सक्राइब। कितना बोलवाओगे यार, हो बहुत गर्मी है।